इसका बेसिक नेचर क्या है? पहला है एक्सपेंशन और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे होमो में था कि कॉन्ट्रैक्शन था, अगर वो कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो स्टैग्नेट कर देगा, रोक देगा, है ना, या सिंप्लीफाई करके छोड़ देगा। लेकिन हेट्रो क्या है कि हर चीज को या तो फैला देगा, अगर पूरा नहीं फैला पाया तो उसको डाइवर्सिफाई कर देगा, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि होमो की वजह से सबको दो आंख है, नाक है, दो कान है, मुंह है, आप सब एक जैसा है कि नहीं है, ये होमो की वजह से सिमिलरिटी है। बट हेट्रो की वजह से इसने तो एक्सपेंशन कर नहीं कर पाया, इसने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। अब डाइवर्सिफिकेशन से क्या है कि सब एक जैसा नहीं है, किसी का शक्ल एक जैसा नहीं है, किसी का हैंड राइटिंग एक जैसा नहीं है, किसी का आवाज़ एक जैसा नहीं है, किसी का सोच एक जैसा नहीं है। अब जितने लोग हैं, ना किसी का सोच मिल रहा है, ना हैंड राइटिंग मिल रहा है, ना शक्ल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। होमो ने लाख कोशिश किया लेकिन हेट्रो तो अपना कमाल कर दिया कर दिया। तो दिस इज, तो जब आप वो नहीं कर पाएगा तो डाइवर्सिफिकेशन कर देगा, है ना। तो दिस इज, अब हम लोग इसके बारे में पॉइंट्स आपको नोट कराते हैं कि इसका जो है इसमें 9 पॉइंट्स हैं, तो आप नोट कर लीजिए। पहला में आएगा हेट्रो कम्स फ्रॉम इम्प्लाइड वर्ड, बिग बैंग एज ए हेट्रो फेनोमेनन।